इसके पश्चात श्री यशोदा में
श्री योग माया जी का जन्म हुआ। परंतु योग माया के जन्म के पूर्व ही जितने भी ब्रजवासी वे सब योग निद्रा में सो गए, अर्थात यशोदा में एक युग्म बालक का जन्म हुआ, एक जुड़वा बालक का जन्म हुआ। जो कृष्ण हुए वे तो उस समय सब ब्रजवासी जागृत थे, जग रहे थे, परंतु अभी बालक के लिंग को नहीं पहचान पाए कि लाला है कि लाली। उसके पश्चात ही श्री यशोदा में जिस समय श्री योगमाया का जन्म हुआ, योगमाया के जन्म के प्रभाव से ही सब ब्रजवासी योग निद्रा में सो गए। स्वयं श्री यशोदा भी योग निद्रा में सो गए और उनको भी पता नहीं कि मेरे कोई दो बालक उत्पन्न हुए। उन्हें भी यही जाना कि एक बालक ही उत्पन्न हुआ। इधर श्री योगमाया वे आप तो छिप रही लीला का समाधान करने के लिए श्री योगमाया उनका यशोदा में जन्म तो हुआ परंतु वे लीला में सामने कभी नहीं आए, हमेशा पर्दे के पीछे ही रही और सारी लीला का समाधान करती हुई वे विराजमान होंगी। दुर्घटना पटी ऐसी होकर के वे विराजमान होंगी, परंतु कंस को वंचित करने के लिए श्री योगमाया ने अपनी ही छाया रूपा त्रिगुणात्मिका माया को श्री नंद रानी की शैया के ऊपर प्रकट कर दिया और बसदेव जी आकर के उस समय अपने वासुदेव कृष्ण को विनिमय करके ले गए। त्रिगुणात्मिका माया उनने जब मथुरा में घोषणा की कि अरे कंस तुझे मारने वाला कहीं ना कहीं पैदा हो गया है, जातक खल पवांत कर दो। यहां पर पहली बार कंस को ये पता लगा कि मुझे मारने वाला कोई पुरुष संतान होगी, स्त्री संतान नहीं। जाता इस पुल्लिंग के प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये जाना और कंस बड़ा लज्जित हुआ। उसने श्याल ससुरो अथाग्रहित देवकी वसुदेव इन दोनों के चरणों को अपने हाथ से पकड़ा, अर्थात एक चरण से देवकी जी के बाएं चरण से, बाएं हाथ से देवकी जी के बाएं चरण को पकड़ा और दाहिने हाथ से देवकी जी का दाहिना चरण और वसुदेव जी का बाएं चरण इनको पकड़ा है। तो हाथ दो हैं, चरण चार हैं, तो पकड़े रखे से तो ये मिथुन परगण न्याय से उसने वसुदेव जी के चरणों को ग्रहण किया। दया की भगनी मूर्ति होती है, श्री देवकी जी के हृदय में दया आ गई। कंस ने देवकी वसुदेव दोनों को मुक्त किया है। श्री सुखदेव जी को तो नंद महोत्सव लीला की स्मृति हुआ है। आज 18 श्लोकों में उस नंद महोत्सव लीला का गायन करते हुए श्री सुखदेव जी को श्री शुकोवाच कौन शुक बोले जो शोभा से युक्त होकर के विराजमान हैं, उस लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, इसलिए दही के, माखन के, हल्दी के, दधकादि के चिन्ह जिनके श्री अंग में विराजमान हो रहे हैं, तो दधकादि की शोभा दधिमंगल की और रोमांच इत्यादि संपत्तियों की शोभा, सात्विक शोभा, प्रेम की संपत्ति, उनसे युक्त होकर के श्री शुकोवाच श्री शुक कह रहे हैं। अथवा श्रीमद गोलोक में किसी सखी ने श्री किशोरी जी से कहा कि अमुक ब्रह्मांड में
श्री श्याम सुंदर का जन्म हुआ है और वहां बड़ा सुंदर दशकाला महोत्सव हो रहा है। उस समय श्री किशोरी जी ने शुक सखी को वहां भेजा और उनने जो कुछ भी दर्शन किया उसको आकर के वे श्री गोलोक धाम में जहां नित्य लीला नित्य किशोर विराजमान है वहां पर भी श्रवण करा रही हैं। जब श्रवण करा रही हैं तो दधकारी में होकर के आई हैं, इसलिए उनके अंग में भी दधकारी के जो चिन्ह है वो विराजमान। श्री किशोरी जी मन में विचार करती हैं कि जब प्रकट लीला में दधकारा हो रहा है तो नुकुंज में दधकारा क्यों नहीं हो, इस अप्रकट लीला में भी दधकारा क्यों नहीं हो, तो वहां गोलोक में भी नुकुंज में भी सब सखीगण श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को और उस जन्म महोत्सव में अपूर्व से दध मंगल करती हुई मनाती है और कहती है आज बड़ा मंगलमय दिन प्राप्त हुआ है। तो श्री शुकवाच श्री किशोरी जी के सिखाए पढ़ाए जो शुक हैं वो इस लीला का गायन कर रहे हैं। तो श्री शुक के तीन अर्थ हुए, लीला शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं, जिनके दधकारे के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं वे शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं, जो स्वयं आनंद से युक्त होने के कारण श्वेत कंप रोमांच इन सात्विक भावों की प्रेम संपत्ति की शोभा से युक्त होकर के अलंकृत होकर के विराजमान ऐसे शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं। 18 श्लोकों में लीला का गायन किया, ये 18 श्लोक नहीं है, हमको तो ये लगता है कि जैसे 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता उनका आनंद तत्व ही यहां विराजमान हो गया, अथवा 18,000 श्रुति या 18,000 श्रीमद् भागवत उनका ही आनंद तत्व इन 18 श्लोकों में सिमट करके विराजमान हो गया है। श्री श्याम सुंदर उनका ब्रजवासियों को जो अपूर्व आनंद प्राप्त होता है वो कृष्ण प्रेम दो रूपों में प्रकट होता है, कहीं योग और कहीं अयोग। योग की स्थिति में चार स्थितियां हैं योग में। पहले परकर को यह लगता है कि हाय हमारे यहां पर कृष्ण नहीं है हमारे पास, उस स्थिति का नाम है अयोग। फिर अयोग के बाद में प्राप्ति, प्राप्ति के बाद में सिद्धि और सिद्धि के बाद में एक स्थिति होती है वो है तुष्टि। उसी अप्राप्ति और प्राप्ति इन दो स्थितियों का श्रीमद् गोपाल चंपू में श्री जी गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बड़ा मधुर वर्णन किया कि नंदस्वात्मनुपन्ने जाता लाभो महामना, बोल ब्रज के शासक होकर के श्री नंद बाबा विराजमान, श्री पर्जन्य महाराज ने जिस समय नंद और उपनंद इन दो बालकों को युग्म रूप में जुड़वा रूप में उत्पन्न किया, बड़े भाई उपनंद हैं, उस बालक का नाम उन्होंने उपनंद रखा अर्थात आनंद जिसके समीप सदा सदा विराजमान रहे, इसलिए उस बड़े भाई का नाम उपनंद रख दिया। परंतु जब छोटा भाई उत्पन्न हुआ तो उनने मुख्य आनंद का दर्शन करके उनका नाम नंद रखा, तो नाम रखने में विपर्य हो गया। बड़े भाई का नाम पहले रखना चाहिए था, जो बाद में आया है उसका नाम उपनंद रखना चाहिए था, परंतु सर्वज्ञ
या लीला शक्ति के प्रभाव से नाम रखने में विपर्य हो गया। बड़े भाई का नाम उपनंद रखा और उस समय गलती नहीं हुई। उसमें विचार ये है कि सदा सदा आनंद इनके पास में विराजमान रहेगा, आनंद इनके निकट ही विराजमान रहेगा। नंद पूर्ण रूप से आनंद पूर्ण होकर के विराजमान है। नंदयती आनंदयती नंदा, इसलिए उनका नाम नंद रखा। सुख पर्जन्य पर्जन्य महाराज ने वृज के ऊपर पांच आनंदों की सृष्टि की, उपनंद, अभिनंद, नंद, संनंद और नंद। श्री नंद बाबा बीच के हैं। जैसे भगवान के शरीश्वरी में श्री ऐश्वर्य ही प्रधान है, इसी प्रकार पांचों पुत्रों में श्री नंद बाबा ही प्रधान होकर के विराजमान है। पर्जन्य महाराज उनने बहुत अनुष्ठान किए, फिर गोपाल लीला, गोपाल हमारे यहां पर जन्म लें, इस विचार से श्री अपनी प्रिया वरियसी उनको संग में लेकर के वन में पधारे, अपने बड़े भाई उपनंद गोप को राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया। उपनंद नंद के पास में आकर के बोले, बोले भैया हमारा नाम है उपनंद, तुम्हारा नाम है नंद। उपशब्द हीनता का वाचक है, गौरवता का वाचक है, इसलिए राज्य गद्दी के ऊपर हम नहीं बैठेंगे, राज्य गद्दी के ऊपर तुम विराजमान हो, हम तुम्हारे सहायक होकर के विराजमान होंगे, जो प्रकट नाम है उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। ऐसा कहकर के श्री नंद बाबा को राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया, स्वयं उनके सचिव बन करके विराजमान हो। श्री उपनंद की तुंगी नाम करके भार्या, श्री अभिनंद इनकी पीवरी नाम करके भार्या, श्री नंद बाबा का विवाह मेहराने के सुमुख नामक जो गोप उनकी परम सुंदरी कन्या श्री यशोदा के साथ में हुआ है। श्री संनंद इनकी कोलिया भार्या ने श्री नंदन इनकी अतुल्या नाम करके भार्या हुई। अन्य भैया जो पत्नी हैं उनमें महानंद, स्वरानंद, धारानंद, ध्रुवानंद, ये चार नंद और भी हुए, कुल नौ नंद। श्री कृष्ण अभी प्रकट हुए नहीं है, बाबा की 80 वर्ष की अवस्था हो गई, अब अप्राप्ति में सब लोग चिंता कर रहे हैं और सब श्री नारायण की आराधना कर रहे हैं कि हमारे यहां पे गोपाल का जन्म हो। यह अप्राप्ति की स्थिति में उपर की। एक दिन पौषी पूर्णिमा के दिन श्री नंद बाबा ने प्रातः काल के समय एक स्वप्न देखा और श्री यशोदा जी को जगाते हुए बोले, बोले मेहर मेहर मैंने अभी अभी एक सपनों देखो है। बोले कहा, बोले श्याम चंचल चार दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले दुग्धोद्गार पयोधरे स्फुटमसो क्रीडन मया आलोक्यते स्वप्नस्तत् किम जागर किमपि वेत्येतन् न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मणि स्फुरति किम सोयं तवाप्यन्तरे के एक श्याम बालक जैसे कोई इंद्रनीमणि का पुत्रा हो, अभी अभी तुम्हारा दूध पी करके चुका है, सो दूध की फुहार कुर्ता के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है, जैसे कोई नील कमल हो इंद्र नीलमणि को पूछ रहा हो, बबुल खा को
कठला जाने कंठ में धारण कर रखो है, चरण में रेशमी डोरा में बधे भय सुंदर नूपुर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, तारे पोत उनके संग में सोने के मोती की सुंदर पहुंची जाने अपने हाथ में धारण कर रखी है, मोटो मोटो काजल जाने लगा रखो है, काजल को डिठोना माथे के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहे है, हाथन में पगथरी में काजल के हप्पा न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, कमल सली के सुंदर नेत्र छोटा सा गोलोचन को तिलक जाके माथे पे लग रहे हो है, ऐसे बालक को मैंने तुम्हारी गोदी में क्रीड़ा करते हुए देखो, मैं सांच बताइयो ये स्वप्न है कि कोई जागरण है कि मेरे ही मन को बहने में यशोदा जी के तो नेत्र में आंसू डबडबाया है, बोले हाय कब हमारे ऊपर ऐसी श्री नारायण की कृपा होगी, वही दिन से श्री नंदरानी में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे, बूढ़ी बूढ़ी गोपी जैसे उन लक्षण का दर्शन करें अपूर्व प्राप्ति की स्थिति, अभी पहले अप्राप्ति की स्थिति, दूसरी स्थिति है प्राप्ति, तीसरी है सिद्धि, अप्राप्ति की स्थिति में प्राप्ति की स्थिति में सब के आनंद को ठिकाना नहीं रहे, सब श्री यशोदा के रूप माधुरी को दर्शन करें, आपस में गोपी चर्चा करें, बोले अरे गोपी तेरे यशोदा की शोभा दर्शन करी, दूसरी बोली अरे नहंदे मैं तो देखते ही पहचान गई, अब के देखियो यशोदा में लालाई उत्पन्न हो, बोले कैसे यानी, बोले यशोदा को मुखनाए देखो कछु पीरो पीरो दिख रहे हो, ये बड़ी बुरी जाने कि मुख पीरो होए तो लाला होयो करे, मुख लाल होए तो लाली होयो करे, सो मुख महापाचाग्रम स्थितम जठरम दरोत्तुंगम, यशोदा को मुख कछु आपांडु पीरो पीरो से दिख रहे हो, श्री यशोदा के उदर में वृद्धि होती भाई चली जा रही है, वक्षोज उनमें विस्तार प्राप्त हो तो यह चलो जा रहे हो, सब उचित शिक्षा प्रदान करें कैसे उठनो कैसे बैठनो, बड़ी बूढ़ी श्री यशोदा की दोहद अभिलाषा उन समय को सब पूरा करें, पांचवी महीना ही गोपी ने फलंत है यशोदा की गोद भरी है, पुंसवन सीमंतों नयन जो संस्कार है उनको बाबा ने वास्तव में यशोदा जी के किए हैं, वागर्भ के द्वारा अन्य गर्भन की भी शुद्धि करने के ताई यहां संस्कार करके मेरे बाबा लोकवत लीला में विराजमान हुए रहे, अब कौन सा समय आयो, बोल बोई भाव को महीना अष्टमी तिथि बुधवार, श्री शुद्धदेव जी वर्णन कर आए हैं पहले ही कि यशोदा नंद पत्नी च जातम, ये चकार जो है वे उक्त समुच्चय के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं कि जैसे मथुरा में जन्म गए श्री देवकी जी में वासुदेव कृष्ण को, वही प्रकार से हमारे ब्रज में भी श्री नंद नंदन को जन्म भयो है, कृष्ण के जन्म के समय सबन को होश हो कि कोई परम श्रेष्ठ बालक उत्पन्न भयो है, परंतु अभी वाके लिंग को नहीं पहचान पाए, इतने में यशोदा श्री योग माया के जन्म को अवसर आएगा तो सब प्रवासी योग निद्रा में सो गए, जब मथुरा में देवी जी ने माया देवी ने ये घोषणा करी कि कंस तुमको मारवे वालों को हम पैदा हो गयो है, सोई ब्रजवासी की आंख खुली है, सबने यशोदा की शैया के ऊपर परम सुंदर नीलवर्ण श्री श्याम सुंदर को कृष्णचंद्र को दर्शन कियो, आनंद को ठिकाना नहीं रहो है, बूढ़ी बूढ़ी गोपी ने कांसे की थाली देहरी के ऊपर रख के खंड खंड करके बजाई, सुनंदा जी तो दौड़ी दौड़ी जा रही है श्री नंद बाबा भैया के पास में जाए के हाथ पकड़ के भैया से लिपट फिरकनी देती भाई, बोली बोले दादा बधाई है बधाई है, कल अर्धरात्रि में भाभी में आपके यहाँ पे लाला को जन्म भयो है,
बाबा ने तो अपने कंठ में पहनी वही गज मुक्ता की माला बहन के कंठ में धारण कराए दी। दोनों भैया बहन आज आलिंगन करते भय अपूर्व रूप से विराजमान हो रहे हैं, नाच रहे, आनंदित हो रहे। सारे ब्रज में हल्ला मच गयो। श्री सुखदेव जी ने तीन तरह से अन्वय कियो कि नंद स्वात्मज उत्पन्न, नंदा आत्मजे जाता लाभ, नंदा उत्पन्न जाता लाभ, नंदा आत्मजत्व उत्पन्न जाता लाभ। नंद के यहां पे अपनो बेटा उत्पन्न हुआ है, आत्मजे जाता लाभ, अर्थात कोई दूसरे के बेटा को ये अपनो बेटा करके नहीं मान रहे हैं, अपने यहां पर अपनो ही बेटा उत्पन्न हुआ। फिर कहूं शैया के ऊपर प्रकट हो गया हो सो बात भी नहीं है। यहां पे ब्रजवासी को ऐसा प्रतीति भाई, मैया को ऐसी प्रतीति भाई कि जैसे लौकिक रीति से मेरे यहां पे बाल को जन्म भयो, और ऐसा भी नहीं कि जन्म भयो हो कोई दूसरे प्रकाश से और फिर प्रकट हो गया हो कोई दूसरा बाल, सो बात भी नहीं है। आप दिव्य यशोदा नंदन हो के ही प्रकट भय और वही रूप में सर्वदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान, मथुरा की तरह से नहीं कि प्रकट तो भय है वायु के रूप में शैया के ऊपर चतुर्भुज हो के और फिर देखते देखते ध्रुवजी हो गए, सो बात नहीं है। यहाँ पे जा रूप में देखो वायु रूप में बालक को जन्म है। तो तीन तरह स्वर्ण कियो, नंदा आप मुझे जाता लागा, फिर नंदा उत्पन्न जाता लागा बालक को जन्म भयो, और फिर जा रूप में जन्म भयो वायु रूप में आप विराजमान है, अतः आत्मजत्वेन उत्पन्नत्वेन जाता लाभ, आत्मज हो के जो उत्पन्न भय तब श्री नंद बाबा को अपूर्व आह्लाद की प्राप्ति हुई है। बाबा ने सेवक को दौड़ाए कहा तो ब्राह्मण बाबा के द्वार के ऊपर ही सदा बैठे रहे, आज बड़ी ऐठ में बेर में बुलाए पे फिर ब्राह्मण आए रहे, बाबा प्रतीक्षा देख रहे। सबने ब्राह्मण आते ही बाबा से बोले, बोले बाबा बधाइए बधाइए। बाबा को जानबूझ के मुस्कराते भाई अभिथा करते भाई बोले कि ब्राह्मणों का बात की बधाई। सबने ब्राह्मण बोले, बोले बाबा दाई ते पेट ना छिपे हम सु छिपावे, हम तो अपने ज्योतिष के प्रभाव से पहले जान गए कि कल अर्धरात्रि के समय तेरे यहाँ पे लाला भयो है, तेरे भले नहीं कहवाई केवल हमको बुलवाए सूचना नहीं देनी पर तो हमको पता लग गयो है अपने ज्योतिष के प्रभाव से, तो ये जन्म पत्री टेवा पहले से बनाए के ले आए हैं। बाबा ने माथे लगाए ऊंचे आरे में जन्म पत्री पधराई है, ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श किया और कह रहे ब्राह्मणों तुम्हारे आशीर्वाद आज फलीभूत भये, हमारे यहाँ पर बड़ी नीट घड़ी आई है, बालक को जब जन्म हुए तब कहा विधान है, प्रथम कल्प को जो विधान है वह तो हमारे सामने वर्णन करो। सारे ब्राह्मण बोले, बोले बाबा पहले मंगल स्नान कर और फिर दान कर। सो बाबा सब ब्रजवासी संग में लेके गाते बजाते ढोल मजीरा के साथ संग में नंदघाट पर पधारे, ऊंचो जो बुर्जा वा के ऊपर चढ़ के बाबा ने सचैन कूद के स्नान किए, वासव में जो चीता उछते उनसे पितरन की अपूर्व तृप्ति हो। बाबा तो नित्य यमुना जी स्नान करें बड़े अच्छे तैरा भावों की यमुना है, परंतु वामी गोता लगाए और बहुत देर तक निकसे ही नहीं, सबने ब्रजवासी घबराए गए, बोले अरे बाबा खांगियो खांगियो, बाबा बीच धार में जाए के हाथ ऊंचो करें, बोले मैं यहाँ हूँ। सब कह रहे बाबा खेल मत कर आ जा आगे बहुत काम है, अभी समय जल्दी जल्दी बीत रहे हो आगे बहुत काम है देर है जाएगी। बाबा आए स्नात शुचि रवन करता है, बाबा ने श्री अंग अंगोच के सुंदर सूथन धारण किए, वाके ऊपर केसर या बारह बंदी
वाटों पर केसरिया तास को बड़ो सुंदर बाग धारण कियो। पौधो छाए के बाबा ने अपनी कमर में सुंदर पटका जो है उनको धारण किए। मस्तक के ऊपर सुंदर टेढ़ी जो बाग है वाक बांधिए। चरण में अनवट धारण किए। सुंदर सांकला रत्नन के सोने के चरण में धारण किए। कमर में सुंदर कोठनी शोभा को प्राप्त हो रही है। कंठ में कंठ श्री धारण करिए। भुजांग में सुंदर बाजूबंद हाथन में सुंदर पहुंची उनके पीछे है। सुंदर बंद मगर के मोहरे के विशोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आगे नहार के मोहरे के सुंदर कड़कुला रत्न जटित उनको बाबा ने धारण किए। अंगूठा में आरसी अंगुलिया में सुंदर अंगूठी में न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। कंठ में सुंदर गोप हाथ बाबा ने धारण किए हैं। थाकदार सुंदर श्रृंगार चढ़ाव उतार की माला जहां शोभा को प्राप्त हो रही है। सुंदर टेढ़ी पाग वा के ऊपर दुमाला धारण की ओर पाग में दोनों ओर चंदा सूरज उनको बांधे हैं। कानन में छेद कड़ी लोलक बंदी बूटा न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। एक और सुंदर शीश फूल धारण की ओर जाके ऊपर कतरा की शोभा अद्भुत हो रही है। दूसरी ओर नौ लखा जो सरपेज वाक बाबा ने पाग के ऊपर धारण किया वाक ऊपर सुंदर सुरखा को मयूर मोट बुकुट मयूर को सुरखा को जो पंख है वो न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहा है। कमल सरी के बाबा के नेत्र गोरोजन को मस्तक के ऊपर तिलक सुंदर अहर गलगुच्छा कपोलन के ऊपर गंगा यमुनी न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। सोने की मुठ को रत्न जटित आशा लेके बाबा जासर में ठाले भाई आज ऐसा लगे जैसे बात्सल्य रस ही मूर्तिमान हुए के सामने उपस्थित हुए लोग सब श्री नंद बाबा की जय ब्रजराज की जय यशोदा मैया की जय ऐसे जय जयकार करते भाई विराजमान हो रहे हैं। सब बाबा के संग के गोप हंसी करते भाई देखे कहें बोले देखो तो सही डोकरा कैसो सजो है। बाबा बोले जाने जा डोकरा होगा तू हम तो जवानन के जवान हमारे तो लाला भयो। ऐसे बाबा हंसी न्यारे करते जा रहे हैं। बाबा पढ़ा रहे हैं सबने ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। बाबा जात कर्म संस्कार करके वासवे में देवता पित्री इनको अर्चन करें नांदी मुख श्राद्ध करते भाई विराजमान भाई हैं। देवता उनको अर्चन की ओर